ABPS News हुआ था करके हो रहे हैं, छूट नहीं रहा है। महेंद्र जी अभिनंदन बंधन करते हुए सभी व्यापारियों का अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा है। पुर में झिमुरा हवाई पट्टी को विकसित करने के लिए क्या मनोज किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको लिखा हुआ है और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से यहाँ से एयरपोर्ट के रूप में झिमुरा हवाई पट्टी को डेवलप किया जाए। साथ ही मिर्जापुर के अंदर क्योंकि बड़े बड़े जंगल हैं, उसमें तमाम तरीके की जो एनिमल स्पीशीज है वो पाई जाती है, इसलिए एक जंगल सफारी का विकास हो इसकी भी कोशिश चल रही है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत मॉडल करियर सेंटर, जिससे युवाओं को करियर काउंसलिंग की सुविधा मिल सके, उसकी भी स्थापना का कार्य प्रारंभ होने वाला है। और श्रमिक भाइयों के लिए ESIC की 6 बेड की डिस्पेंसरी बनकर तैयार है, जल्दी ही उसका इनॉग्रेशन भी होने जा रहा है। जिस जगह आप बैठे हैं ये पूरा क्षेत्र रमणी होने के बावजूद भी लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, इस पर क्या आपका नज़रिया है और क्या कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से ऐसे जो भू माफिया हैं, जो मकानों को ज़मीनों को कब्जा करते हैं, उनके लिए एक सेल बनाया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर निगाह रखे हुए हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने मुझे बताया है, निश्चित रूप से मैं यहाँ से जाने के बाद कल एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूँगा और 20 तारीख को लखनऊ में मिलके इस समस्या को बताऊँगा। जो मिर्जापुर का प्राकृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, इसको कोई कब्जा न कर पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। ये हमारा मिर्जापुर वस्त्र व्यवसायी कल्याण समिति प्रत्येक वह हम लोगों ने इसलिए आमंत्रित किया था कि यहाँ पर तमाम किस्म के अवैध कब्जे इस पहाड़ी रमणीक स्थल पर हो रहे थे और तमाम किस्म की परेशानियाँ यहाँ पर थीं। इस रमणीक स्थल पर बहुत से कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, इसलिए मंत्री जी से हर कार्यों की जो है व्यवस्थाएं के लिए उनसे बात की गई और इसके बाद जो है लगता है कि इस स्थान पर अवैध अतिक्रमण पूरा सुंदर खराब कर रहा है जनपद का। ये जो ओरिजिनलिटी है ये तो वास्तव में अवैध अतिक्रमण यदि इसी तरह होता रहा तो कुछ दिनों के बाद इस रमणीक स्थल का अता पता भी नहीं रहेगा। और जो ये सिद्ध पीठ मशहूर है, प्रसिद्ध है, माँ विंध्यवासिनी धाम ये प्रसिद्ध है, जहाँ यहाँ सब अवैध कब्जे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे कई किस्म के आपराधिक किस्म के लोग भी वाशिंद हो जाएंगे और यहाँ की जनता के लिए जो है ये बड़ा कष्टदायी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।